Hey guys, welcome back to my new another video. Myself, Rajnish. This video is going to be special because in this video I'm going to review some Camel art materials. You know what? जब हम किसी आर्ट मटेरियल को बाय करते हैं तो उसमें तीन चीजों का खासा ध्यान रखते हैं. फर्स्ट द क्वालिटी, द क्वांटिटी एंड द लास्ट लुक. डिजाइन वाइज कैसा है? आई थिंक यू ऑल नो अबाउट Camel ब्रांड, इंडियाज ओल्डेस्ट आर्ट एंड स्टेशनरी सप्लायर्स कंपनी. दिस इज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड एंड लव्ड बाय पीपल्स. सो हियर आई एम गोइंग टू रिव्यू Camel आर्टिस्ट वाटर कलर एंड Camlin हॉबी ब्रशेस. एट फर्स्ट मैं इसे अनबॉक्स करूंगा, देन प्रैक्टिकली यूज करके आप लोग को इस आर्ट मटेरियल की रिव्यू दूंगा. सो हियर इज द अनबॉक्सिंग. एट फर्स्ट यहाँ पे मैं ब्रशेस को देख रहा हूँ और देखने में काफी अच्छा लग रहा है और काफी ब्रशेस इन्होंने सेंड करा है तो देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है. एक वाओ यार, ये पकड़ने में लाइक बहुत अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है और एक प्रीमियम लुक दे रहा. तो ये ब्रशेस का काम तो हो गया. अभी अब फिलहाल मैं और एक ब्रशेस इन्होंने सेंड करा है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार. ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रहा हूँ. लाइक यहाँ पे ऐसा होता है कि सेट करने वाला दिया हुआ है. लाइक आप जो भी यूज करना चाहते हो इसमें आप सेट कर सकते हो. आपके ऊपर रहता है, ये आपके हिसाब से होगा. दो ऐसा सेट करने वाला दिया है और प्लस में एक लाइनर ब्रश इन्होंने दी है इसमें जो कि काफी ज्यादा अच्छी है. और देख सकते हो सेट करने के बाद यार ये भी पकड़ के लाइक बहुत ही प्रीमियम लुक लग रहा है. लाइक अच्छा फील हो रहा. लास्टली सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हमारा कलर Camel आर्टिस्ट वाटर कलर जो कि कैक्स में 24 सेट्स के हैं. और यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ और देख सकते हो इसमें सारे कलर्स के नेम वगैरह दिए हुए हैं और बाकी कलर कुछ दिखने में ऐसा लग रहा जो कि काफ़ी सही लग रहा. और अभी तो कलर का यूज़ करके हम लोग ट्राई करने वाले हैं. अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है. Now, अब बारी है द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको यूज करने की. और आई विल टेल यू हाउ टू यूज Camel आर्टिस्ट वाटर कलर एंड Camlin हॉबी ब्रशेस इन वेरी डिटेल वे. तो अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक ओल्ड लेडी की पोर्ट्रेट, तो काफी मजा आने वाला. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस यार, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले कुछ इन ब्रश की जो बेसिक टेक्निक है उसको जान लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे. पता है ट्यूटोरियल के लिए काफी वेट कर रहे हो, बट थोड़ा वेट कर लो. और बाकी ये जो कैट ब्रश है, कैट टंग ब्रश है, इसका यूज करके आप लाइक लीव्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, काफी कुछ ड्रॉ कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं सिंपली लाइन्स ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ. लाइक लाइट से डार्क हम लोग को जाना है इस ट्यूटोरियल में, और जितना लाइट में आप वाटर मिला सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है. और फिर उसके बाद डार्क में जितना पानी कम करो उतना ज्यादा डार्क इज लाइक, उस तरह करके डिटेल वर्क करेंगे हम लोग आगे. सो गाइस यार, ये रहा फिल्बर्ट ब्रश. इसका भी यूज करके काफी अच्छे से आप कोई भी काम फ्लो में कर सकते हो, काफी अच्छा ब्रश होता है. बाकी इसके बाद जो थर्ड ब्रश है ये हमारा एंगुलर ब्रश है. एंगुलर ब्रश का यूज करके आप अल्फाबेट्स वगैरह लिख सकते हो या फिर इसके कॉर्नर वाला पार्ट को यूज करके डिटेल वर्क कर सकते हो. ये वाला जो लाइनर ब्रश है, लाइनर ब्रश यूज हम लोग बेसिकली डिटेल वर्क के लिए करते हैं या फिर अल्फाबेट्स में जो भी आपको सिग्नेचर वगैरह करना है उसमें आप इस ब्रश का यूज कर सकते हो. बाकी यहाँ पे देख सकते हो डिटेल मैं किस तरह से कर रहा हूँ. लाइक आप कुछ भी इससे आप लाइंस वगैरह दे सकते हो या फिर कुछ भी डिटेल वर्क कर सकते हो. बाकी यहाँ पे मैं डियर फुट जो ब्रश है उसका यूज करने वाला हूँ. इसका यूज करके आप कहीं पर भी लाइक ट्रीज वगैरह में यूज कर सकते हो और लाइंस वगैरह चला सकते हो. और यहाँ पे देख सकते हो कॉम ब्रश का यूज मैं कर रहा हूँ. ये आप पतली जो लीव्स होती है ना उसको आप यहाँ पे दे सकते हो काफी ईजी वे में फ्लो में. देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त लग रहा. बाकी ये जो ब्रश है इसका यूज करके आप फ्लावर वगैरह ड्रॉ कर सकते हो. और बेसिकली आप अपने सीट जो भी आपका जो वाटर कलर पेपर सीट है उसको आप वेट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो. बाकी आप सभी ब्रशेस को काफी तरह से यूज कर सकते हो, काफी जगहों पे यूज होता है. तो गाइस यार, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने ट्यूटोरियल पे. एंड देन अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट होने वाला है, तो जरूर ध्यान से देखना. एट फर्स्ट मैं सरफेस को वेट कर लूंगा. जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैं वाटर का यूज करके इसे वेट कर ले रहा हूँ. बेसिकली मैं यहाँ पे वेट ऑन वेट टेक्निक का यूज कर रहा हूँ. और वेट ऑन वेट टेक्निक में यही आपको अपने सीट को काफी अच्छे से वेट कर लेना होता है, देन उसके बाद आपको कलर चलाने होते हैं. इस तरह करके आप लोग को अच्छे से जो टेक्निक है उसको अच्छे से यूज करना होता है. बाकी आप देख सकते हो किस तरह से मैं कलर्स को फिल कर रहा हूँ. धीरे धीरे मैं लेयर्स को बढ़ा रहा हूँ, डार्कनेस की ओर जा रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं लेयर्स को जैसा कि बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे वाटर का भी मैं काफी यूज कर रहा हूँ. वाटर का यूज करने पर देख सकते हो काफी अच्छे से ब्लेंड वगैरह हो जाए. बट ये वाटर कलर इज लाइक नेक्स्ट लेवल. यहाँ पे ब्लेंडिंग आपको करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लाइक अपने आप हो जा रही थी. जैसा कि मैं सिर्फ वाटर का यूज कर रहा था और ये तो ड्राई होने के बाद तो और नेक्स्ट लेवल पे चली जा रही थी. तो यहाँ पे देख सकते हो मैं और एक ब्रश यूज करने वाला हूँ जो कि अब डिटेलिंग
पार्ट है। डिटेलिंग करने के लिए मैं लाइनर ब्रश यूज कर रहा हूँ, जो कि मैंने वीडियो के पहले ही भी बताया, लाइनर ब्रश का यूज करके काफी अच्छे से डिटेल हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, पहले तो मैंने लाइट कलर्स का फिल करके पूरे सर्फेस में फिल करा था, और वाटर कलर है तो वैसा ही किया जाता है, पहले आपको लाइट कलर से स्टार्ट करना होता है, देन उसके बाद आप डार्कनेस देके और भी ज्यादा डिटेल कर पाते हो। तो इसी तरह करके यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और बाकी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बिल्कुल फ्लो में चल रहे हैं। और जो कलर है, कलर बहुत हेल्प कर रहा है मेरे को इस लाइक बहुत ही परफेक्ट कलर मिल गया है। और आप लोग भी अगर इस कलर को यूज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप लोग पहले तो रिजल्ट को देखो तभी ऑर्डर करना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी ऑर्डर कर दो, पहले रिजल्ट देखना फिर उसके बाद ही कुछ करना। तो देख सकते हो अब यहाँ पे मैं डिटेल कर रहा हूँ, डिटेल बहुत ही ईजी वे में अच्छे से हो जा रहा, इसी तरह करके मैं डिटेल करता रहूँगा। और लिप्स वगैरह देख सकते हो मैं ड्रो कर लिया। अब जो हेड वाला पार्ट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, तो यहाँ पे मैं डिटेल करा, और यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने एक बड़ी सी बिंदी लगाई हुई है, तो वो भी मैं ड्रो कर रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, देख सकते हो ये भी ड्रो हो चुका है। एंड देन अब हेयर वाले पार्ट को मैं ड्रो करूँगा, हेयर वाले पहले तो ये सब फी लाइट कलर से स्टार्ट करना है, ना कि डायरेक्ट डार्क में जाना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट डार्क और डिटेल में तो बिल्कुल नहीं जाना है, पहले लाइट कलर से स्टार्ट करना है। तो पहले देख सकते हो मैं लाइट से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी भी उसमें डिटेल नहीं कर रहा हूँ हेयर में। तो बाकी अभी ये सारी वाले पार्ट को भी मैं अच्छे से लाइट वे में कलर फिल कर लेता हूँ, देन उसके बाद डिटेल वगैरह हम लोग करेंगे लास्ट में। तो देख सकते हो मैं किस तरह से सेट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। जब लाइट कलर का यूज करोगे तो आप ज्यादा पानी का यूज करना, या फिर पहले वाटर से सरफेस को भिंगो लेना, फिर उसके बाद वो आप कलर यूज करोगे तो काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, काफी अच्छे से एक आपका फर्स्ट लेयर वगैरह चढ़ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड भी मैं कलर फिल कर रहा हूँ, बट ये फर्स्ट लेयर, ज्यादा डार्क वगैरह नहीं कर रहा। अब यहाँ पे थोड़े डिटेल वगैरह मैं करना स्टार्ट करा बैकग्राउंड में, और डिटेल करने के बाद ये और भी ज्यादा बेहतरीन लगेगा, जो कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी ये होने के बाद अब मैं साड़ी में आ गया, साड़ी में भी डिटेल करना स्टार्ट करूंगा, लाइक थोड़ा डार्क कलर्स का यहाँ पे यूज करूंगा, एंड देन इसके बाद ये भी मस्त ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं, वाटर का यूज करता हूँ नॉर्मली, और काफी अच्छे से ब्लेंड वगैरह हो जाता है। तो अभी और भी डिटेल वगैरह करना है, लाइक जो गले पे है, गले पे डिटेल वगैरह करना है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। और अब हेयर वाले पार्ट को भी अब थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सही नहीं लग रहा था, तो इसे मैं सही कर रहा हूँ, मतलब डिटेल वगैरह नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे भी मैं डिटेल वगैरह कर ले रहा हूँ हेयर को। एंड देन देख सकते हो अब यहाँ पे नेक पे आ चुका हूँ, नेक पे इज लाइक नेक पे भी यहाँ पे डिटेल था, डिटेल वगैरह करने के बाद यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज वगैरह इन्होंने पहना हुआ है, तो उस पर थोड़ा डिटेल करने के बाद हमारा फाइनल पीस जो है वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं देख सकते हो सेलो टेप को यहाँ पे निकाल रहा हूँ, निकालने के बाद अलग ही लेवल का फील आ रहा है यार, गजब लग रहा। बाकी ये देख सकते हो हमारा फाइनल रिजल्ट ये है, और देख सकते हो कितना गजब लग रहा। तो ये जो कलर है, वाटर कलर है, ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, लाइक आप जाके अभी के अभी ऑर्डर कर लो, और ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, आपकी आर्टवर्क नेक्स्ट लेवल की होगी, जैसा कि मेरी आर्टवर्क हुई है। सो हियर इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ माई आर्टवर्क। आई होप कि आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा, और मेरा पर्सनल रिव्यू बोलूं इस कलर और जो ब्रशेस मेरे पास आए हुए थे, तो इट्स लाइक आप मेरे को जानते हो, मैं ज्यादा वाटर कलर नहीं करता, बट ये मेरा कुछ सेकेंड या थर्ड आर्टवर्क होगा, और उसी में ये आर्टवर्क देख सकते हो कितना ज्यादा मस्त बना है, इसका जो रिजल्ट है कितना ज्यादा मस्त आया है, वो भी मेरे से। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ये कलर और ये ब्रशेस आप लोग के लिए ही बना है, और बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वालिटी, क्वांटिटी और द लुक, ये तीन चीजों में ये पास करा है, बिल्कुल परफेक्ट है, लाइक इट्स टोटली वर्थ इट। मेरे डिस्क्रिप्शन में इन सारे आर्ट मटेरियल का लिंक है, तो वहां पे जाओ, आप लोग ऑर्डर करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और मेरे आर्टवर्क्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बहुत ही अमेजिंग आर्टवर्क ड्रॉ कर सकते हो इन आर्ट मटेरियल्स का यूज करके। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जाओ एंड प्लेस योर ऑर्डर।